भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बाहर से आने वाले लोगों के चरित्र प्रमाण के लिए एक सप्ताह बीत जाने पर भी कमेटी गठित नहीं की गई कि जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी पहचान और उनकी जो पहचान और चरित्र प्रमाण आइडेंटिफिकेशन और करेक्टर वेरिफिकेशन हो और वो कैसे यहां रोजी रोटी करेंगे उस पर कोई ठोस नीति बने, इसके लिए उन्होंने कहा था मैं आज ही विधानसभा अध्यक्ष से बात करूंगा, आज ही दोनों दलों के विधायकों की संयुक्त कमेटी बनेगी और जल्दी ही ठोस नीति बनेगी। एक सप्ताह बीतने को आ गया परंतु अभी तक कमेटी भी गठित नहीं हुई, जिससे लगता है कि ना ये सरकार ना मुख्यमंत्री प्रदेश के इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर गंभीर। हमने उस दिन भी कहा था हमारा ये मानना है कि जो प्रदेश के मूल निवासी हैं वो चाहे किसी भी समुदाय के, वो भाईचारे के साथ रहते हैं, वो प्रदेश में शांति और सौहार्द चाहते हैं, परंतु रोटी रोजी कमाने के नाम पर जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उनके आने पर ना उनकी पहचान होती है ना उनके चरित्र प्रमाण लिए जाते हैं और ना उनकी रोटी रोजी कमाने के लिए कहां उन्होंने जाना है, कहां उन्होंने बैठना है, कहां उनकी रेड़ी होगी, कहां उनकी फेरी होगी, कहां वो फेरी लगाएंगे, इस पर कोई प्रदेश सरकार की नीति ना होने के कारण जो है ये स्थिति यहां तक पहुंची। और दूसरा, वो लोग रोटी रोजी कमाकर रात को उन भवनों में रह रहे हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से मस्जिदों के नाम पर बने, उनमें रहकर असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिसके कारण समाज में तनाव पैदा है, जिसके कारण आंदोलन समाज को आंदोलन करने की स्थिति में आना पड़ा। इसलिए हमने कहा था ऐसे भवनों को सील करो, सरकार अपने नियंत्रण में ले और साथ में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ ठोस नीति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।